हे गाइस, स्वागत है आज के हमारे स्टूडियो में। टुडे बात करने वाले हैं केरला ब्लास्टर एफसी वर्सेस एससी ईस्ट बंगाल की प्लेइंग 11 के बारे में। एंड काफ़ी बेहतरीन प्लेइंग 11 हमने तैयार की है। एंड 7 अक्टूबर को ये मुकाबला होगा एंड वहां पर हमें केरला की फैन आर्मी देखने के लिए मिलेगी, जिसका नाम है मंजापड़ा। और काफ़ी बेहतरीन और सबसे बड़ी आर्मी है इंडिया की केरला ब्लास्टर एफसी के पास। एंड 2 साल के बाद वो हमें देखने के लिए मिल रही है, ये सबसे बड़ी बात है। एंड चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले एससी ईस्ट बंगाल की प्लेइंग 11 के बारे में, देन हम बात करेंगे केरला ब्लास्टर एफसी की। तो आपको इस साइड में देखने के लिए मिल रही होगी एससी ईस्ट बंगाल की प्लेइंग 11, थोड़ी बात कर लेते हैं। मैंने प्रीफर्ड किया है गोलकीपर के रूप में कमलजीत सिंह को। एंड सेंटर बैक के 2 फॉरेन प्लेयर चूज़ किए हैं मैंने, वो हैं इवान गोंजालेस एंड क्रिया को। दोनों ही बेहतरीन प्लेयर हैं और मैं चाहता हूँ कि दोनों ही सेंटर बैक में खेलें, क्योंकि मैं इवान गोंजालेस को एक डिफेंडर के रूप में चूज़ नहीं कर सकता। मुझे 2 फॉरेन प्लेयर अच्छे लगे सेंटर डिफेंड में, तो मैंने दोनों को लिया। एंड हमें इंडियन प्लेयर के रूप में जेरी राकिब एंड लाल चुंग गुंगा तीनों ही देखने के लिए मिल जाएंगे, काफ़ी बेहतरीन प्लेयर हैं। एंड जेरी राकिब तो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, एंड लाल चुंगा के बारे में किसी को नहीं पता है, न्यू प्लेयर साइन किए गए हैं एंड काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। अगली बात कर लें सेंटर मिडफील्ड की। सेंटर मिडफील्ड में सौविक चक्रवर्ती एंड अमरजीत क्याम के पास जमशेदपुर एफसी, इंडियन एरोस एंड एफसी गोवा के आईएसएल के कई क्लबों का एक्सपीरियंस है अमरजीत सिंह क्याम के पास। एंड सौविक चक्रवर्ती जमशेदपुर एफसी में भी खेल चुके हैं, मुंबई सिटी एफसी में भी खेल चुके हैं एंड ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इन दोनों खिलाड़ियों के पास। एंड एलेक्स लीमा भाई साहब ब्राज़ीलियन काफ़ी बेहतरीन प्लेयर हैं, जमशेदपुर एफसी में ओवन कोलिन को लेकर आए थे एंड काफ़ी अच्छा ऑप्शन है एससी ईस्ट बंगाल के लिए। क्लिंटन सिल्वा एंड लिएंड्रो के साथ में ये अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं एंड अटैकिंग मिडफील्ड की पोजीशन इनको दी गई है और मैंने इनको लिया भी है प्लेइंग 11 में, क्योंकि काफ़ी अच्छे प्ले मेकर साबित हो सकते हैं इस बार के आईएसएल सीजन 9 में। तो अगली बात कर लेते हैं, मैंने सेंटर फॉरवर्ड के रूप में 1 फॉरेन प्लेयर एंड 1 इंडियन प्लेयर को लिया है, आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे सुहेर बीपी एंड क्लिंटन सिल्वा। क्लिंटन सिल्वा को आप जानते ही हो, भाई साहब फ्री किक मास्टर हैं एंड मुझे नहीं पता कि बेंगलुरु एफसी ने क्यों उनको निकाला। और काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं क्लिंटन सिल्वा और मैं चाहता भी हूँ क्लिंटन सिल्वा इस बार मेरी प्लेइंग 11 में रहें एंड अपना धमाल दिखाएं। जो ब्राज़ीलियन मैजिक होता है ना फुटबॉल का, वो मुझे देखने के लिए मिलेगा इस बार के एससी ईस्ट बंगाल की टीम में। एंड सुहेर बीपी को आप जानते ही हो भाई साहब, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में क्या ही घमासान मुकाबला उन्होंने दिखाया था, क्या ही मेहनत की थी एंड काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने प्रिपेयर किया है इस बार भी। एंड केरला ब्लास्टर एफसी उनको लेने जा रहे थे, ऑफर भी दिया था, लेकिन नहीं, उनको जाना था भाई साहब फॉर्मर इंडियन हेड कोच के साथ में एंड उन्होंने वो शिफ्ट हो चुके डायरेक्टली एससी ईस्ट बंगाल में। एंड काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर हैं जो एससी ईस्ट बंगाल में इस सीज़न हमें देखने के लिए मिलेंगे, जो कि बेहतरीन बेहतरीन प्लेयर हैं इंडियन सुपर लीग के। तो ये रही फ्रेंड्स आपकी एससी ईस्ट बंगाल की प्लेइंग 11। एंड अगली बात कर लेते हैं हम केरला ब्लास्टर एफसी की प्लेइंग 11, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाली है अगेंस्ट एससी ईस्ट बंगाल। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले गोलकीपर की, तो मैंने लिया सुखमन गिल को। ये सभी जानते हैं कि हर कोई सुखमन गिल को लेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर गोल्डन बूट विनर है एंड मैं चाहता भी हूँ ये खेलें। एंड सॉरी फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस आ रही होगी, तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए एंड हमारी प्लेइंग 11 पर ध्यान दीजिए। अगली बात कर लेते हैं सेंटर बैक्स की, तो मैंने एक ही फॉरेन प्लेयर को चूज़ किया है, जो कि लिस्कोविक सेंटर बैक में। एंड हॉर्मी पम आप जानते ही हो पिछले सीजन क्या ही परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने एंड इस बार भी मैंने उनको प्लेइंग 11 में लिया है। एंड जेसल कार्नेरो जो कि इंजर्ड हो गए थे, केरला ब्लास्टर एफसी के कैप्टन, वापस आ चुके हैं सेंटर बैक में खेलने के लिए। एंड मैंने राइट बैक में लिया है खाबरा को, काफ़ी अच्छे ऑप्शन है केरला ब्लास्टर एफसी के पास, हर पोजीशन पर खेलने के लिए प्लेयर हैं। इवान वुको मैंने उन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से टीम को प्रिपेयर किया है इस सीज़न। एंड सेंटर मिडफील्ड की बात कर लें तो क्विटिया एंड जिक्सन सिंह दोनों ही काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं एंड मैंने दोनों को ही लिया है। एंड न्यू फॉरेन प्लेयर की बात कर लें अटैकिंग मिडफील्ड में, मैंने लिया है कलियुजनी को, जो कि काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं एंड उनके वीडियोस आपने अभी तक देख ही लिए होंगे, बेहतरीन भूमिका निभाते हैं सेंटर मिडफील्ड एंड अटैकिंग मिडफील्ड में, डीप तक ले जाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं बॉल को एंड चांस क्रिएशन तो इनका अलग ही लेवल का है।
एंड अगली बात कर लेते हैं राइट विंग एंड लेफ्ट विंग में। मैंने दोनों दो प्लेयर को लिया जो जो कि दोनों ही मैजिशियन हैं, एंड दोनों को मैंने फॉरवर्ड में इसलिए लिया है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चेंज क्रिएशन करें एंड केरला ब्लास्टर एफसी आगे बढ़ सके अपने ड्रीम ट्रॉफी के लिए। एंड बात करते हैं एड्रिन लुना एंड सहेल, बता देता हूँ आपको, दोनों ही मैंने लिए हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। एंड फॉरवर्ड की बात कर लें तो मैंने एपिस्टोलो जीनू को सब्स्टिट्यूशन में रखा है एंड मैं डिमिट्री डायमेंटेकोस को इनको सेंटर फॉरवर्ड की भूमिका इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इन्होंने प्री सीजन में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है एंड मैं चाहता भी हूँ कि ये प्लेयर खेले मेरी प्लेइंग इलेवन में एंड धमाल मचाएं। तो ये रही फ्रेंड्स दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन। अगर आपको केरला ब्लास्टर एफसी की प्लेइंग इलेवन पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऐसी ईस्ट बंगाल की आ रही हो तो प्लीज़ वो भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड हमारी अगली प्लेइंग इलेवन जो भी आने वाली वीडियो, अगर आप इसी तरीके से चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।